अगर आप भी अपने लिए एक नए घर बनवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर आप अपने पुराने घर में रिनोवेशन कराना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घरों में लगने वाले ग्रिलिंग सिस्टम के बारे में। आपने ज़्यादातर घरों में देखा होगा कि भाई सेफ्टी के पर्पज़ से स्टेनलेस स्टील के या फिर आयरन के बने हुए इस तरह के ग्रिल्स का यूज़ किया जाता है। कारण है भाई, इस तरह की ग्रिल्स को यूज़ करने से एक तो घरों में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका कोई डर नहीं रहता कि भाई वो बाहर निकल जाएंगे, और दूसरा ये है कि आपके घर में कोई पेट पला हुआ है उसके भी गिरने का डर नहीं रहता। तीसरी चीज़ है कि बाहर से ये आपके घर को पूरी तरह प्रोटेक्टेड रखते हैं, सेफ रखते हैं, किसी भी तरह के चोरी वगैरह के खतरे को भी इस ग्रिलिंग सिस्टम से रोका जाता है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि भाई बंदर वगैरह जहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ तो सेफ्टी पर्पज़ से ग्रिल्स लगवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये ग्रिल्स दूर से देखने में बड़े ही अजीब लगते हैं, चाहे स्टेनलेस स्टील के हों और चाहे फिर आयरन के बने हुए। लेकिन अब इसी ग्रिलिंग सिस्टम को चेंज करने के लिए आ चुकी है बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी, और ये है इनविजिबल ग्रिलिंग सिस्टम। भाई इनविजिबल के लिए ये मिस्टर इंडिया जैसा सिस्टम नहीं है कि बिल्कुल दिखे ही ना और ग्रिलिंग सिस्टम हो। ये इस तरह की ग्रिल्स को बनाया गया है जो पास से देखने में तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ग्रिल्स हैं, लेकिन अगर आप दूर से देख रहे हैं अपने घर को तो वहाँ पे दूर से ग्रिल्स नहीं दिखती और घर का लुक बहुत सुंदर निकल के आता है। बहुत अच्छा लगेगा। ये ग्रिलिंग सिस्टम बना हुआ होता है स्टेनलेस स्टील के वायर से, और इन ग्रिल्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है 2mm के स्टेनलेस स्टील वायर का या फिर 2.5mm या फिर 3mm मोटाई के स्टेनलेस स्टील वायर का, जिससे कि भाई प्रोटेक्शन पूरी तरह से बना रहता है। इस तरह के ग्रिल सिस्टम को फिट करने के लिए हॉरिजॉन्टली तो वायर लगते ही हैं, साथ में वर्टिकल भी वायर्स का यूज़ किया जाता है जिससे कि स्ट्रेंथ पूरी तरह बनी रहती है। अब आपके घर में अंदर चाहे छोटे बच्चे हों या फिर आपके यहाँ पेट्स हों या फिर आप खुद भी सुरक्षित महसूस करते हैं और बाहर से आप किसी भी अनचाही चीज़ से बचे रहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप भाइयों। दरअसल इनविजिबल ग्रिलिंग सिस्टम एक बहुत ही एडवांस ग्रिलिंग सिस्टम है जो आपके घरों की बालकनी में या आपके अपार्टमेंट्स के जो आउटर एरियाज होते हैं उसमें इनविजिबल गार्ड का पूरा रोल प्ले करता है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि बंदरों से बचने के लिए या फिर बाहर के और किसी खतरे से बचने के लिए लोग इस तरह के नेट्स का भी यूज़ करके चलते हैं। ये देखने में तो अच्छे लगते ही नहीं हैं, उसके अलावा इनमें इतनी ताकत भी नहीं होती कि ये बहुत ज़्यादा फोर्स को रोक पाएँ। दूसरा, आपने देखा होगा कि लोग अपनी बालकनी के प्रोटेक्शन के लिए बहुत बड़े एल्युमिनियम के फ्रेम्स लगवाते हैं, उनमें ग्लासेस लगवाते हैं, लेकिन इतना सब कुछ करवाने के बाद भी पहले तो बालकनी थोड़ी सी अजीब लगने लगती है, और दूसरा ये हो जाता है कि आपको बालकनी का फिर मज़ा ही नहीं रहा, वो तो फिर रूम जैसा हो गया जहाँ खुली हवा मज़े से आ ही नहीं सकती। उसके अलावा एल्युमिनियम का ये फ्रेमिंग सिस्टम हो गया, चाहे आयरन की ग्रिल्स हो गई या स्टेनलेस स्टील की ग्रिल्स हो गई, ये बहुत कॉस्टली पड़ती हैं, और अगर इसके अंदाजे में देखा जाए तो इनविजिबल ग्रिलिंग सिस्टम बेहद सस्ता पड़ता है। अगर लाइफ की बात की जाए तो 15 से 20 साल ये बहुत अच्छे से चल सकता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि भाई आप इनविजिबल ग्रिल के पीछे जब बैठकर बाहर का नज़ारा देखते हैं तो आपका व्यू भी बहुत ज़बरदस्त आता है, क्योंकि इसमें आपका व्यू किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं होता। अगर बात की जाए कि इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, तो आप अपनी बालकनी में यूज़ कर सकते हैं, गैलरी में यूज़ कर सकते हैं, अगर बड़े साइज की ओपन विंडो हैं आप वहाँ पे ज़रूर यूज़ करके चलिए। उसके अलावा होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मॉल्स हैं, वहाँ पर भी इस तरह की इनविजिबल ग्रिलिंग सिस्टम को बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे किया जाए। तो आप किसी भी मिस्त्री की हेल्प से इसको अपने घर पर आसानी से इंस्टॉल करवा सकते हैं। दरअसल घर पर जो भी बालकनी या छज्जा रहता है वहाँ पर स्टेनलेस स्टील के चैनल्स को फिट कर दिया जाता है, और उसी स्टेनलेस स्टील के चैनल में ये 361 ग्रेड की बेहद स्ट्रॉन्ग वायर लगा दी जाती है। अगर वायर्स के बीच में गैप की बात की जाए
तो वो डिपेंड करेगा भैया आप प्रोटेक्शन किससे चाह रहे हैं। अगर आप वर्ड से प्रोटेक्शन चाहते हैं तो आप 2 इंच का गैप रखिए, और आपको मंकी वगैरह से प्रोटेक्शन रखना है तो आप 2.5 इंच या 3 इंच तक का भी गैप आसानी से रख सकते हैं। अगर इस ग्रिलिंग सिस्टम की कॉस्टिंग की बात की जाए तो वो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप 3 इंच का गैप लेके चल रहे हैं तो वहाँ पे वायर कम यूज़ होगा, तो भाई आपको ये थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। और अगर आप 2 इंच का गैप लेके चल रहे हैं तो वायर ज़्यादा यूज़ होगा और नेचुरली वो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। उसके अलावा दूसरी चीज़ आ जाती है कि आप कौन सी कंपनी का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। कुछ कंपनी 10 साल की वारंटी देके चलती हैं और कुछ कंपनी की गारंटी 20 साल तक होती है। तो आप अगर ज़्यादा अच्छी कंपनी के वायर्स का और चैनल्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी। उसके अलावा तीसरी चीज़ डिपेंड करती है कि भाई आपके यहाँ जो ग्रिलिंग सिस्टम लगाने आ रहा है उनके क्या चार्जेस हैं। अगर फिर भी मोटा मोटा चार्ज देखा जाए तो इस ग्रिलिंग सिस्टम को 150 स्क्वायर फीट से लेकर 200 स्क्वायर फीट तक के रेट में आसानी से फिट कराया जा सकता है। और इस तरह के ग्रिलिंग सिस्टम को लगाकर आप अपने घर की खूबसूरती को तो बरकरार रखेंगे ही रखेंगे, उसके अलावा आपका घर प्रोटेक्टेड भी हो जाएगा। भाइयों, अगर आप भी इसी तरह की घर के संबंध में नई नई टेक्नोलॉजी से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिए।